काली पठार क्षेत्र में दो दिन पूर्व मोहन लोधी ने 27 पन्नों के सुसाइड नोट अपने शरीर में बांधकर दो मंजिला मकान से फांसी का फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। उन 27 पन्नों में 7 लोगों के नाम लिखे थे, जिसको लेकर सोमवार को लोधी समाज के लोगों द्वारा आक्रोश देखा गया। मोहन को फांसी के फंदे पर उकसाने वाले लोगों पर FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी रोशन राय को सौंपा। वहीं आरोपियों पर 3 दिन में कार्यवाही नहीं की गई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मृतक मोहन लोधी के छोटे छोटे बच्चे पिता के आत्महत्या पर उकसाने वाले लोगों को सजा दिलाने कार्यवाही की मांग मुख्यमंत्री से की है। इन बच्चों के साथ पूरा लोधी समाज सड़कों पर उतरा हुआ था। गुस्साए लोगों ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देकर आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी है। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज ज्ञापन के माध्यम से जो 12 तारीख को मृतक मोहन सिंह लोधी ने जो आत्महत्या का कदम उठाया, उसी के जो दोषी हैं उनके खिलाफ आज समस्त नगर वासुदा के समस्त लोग एक साथ आकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए और विदिशा लोधी सभा के सभी हमारे वरिष्ठों के साथ मिलकर ये ज्ञापन SDM साहब को मुख्यमंत्री के नाम से दिया है। इसमें हमने मांग करी है कि मृतक जो मोहन सिंह लोधी था उसे प्रताड़ित निरंतर किया जा रहा था और प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति जो भी थे, चाहे यशपाल यादव जी हों, चाहे पुष्पेंद्र तिवारी जी पटवारी हों और अन्य जो भी लोग थे जो उन्होंने सुसाइड नोट में 27 पेज का जो सुसाइड नोट दिया है उसमें उल्लेख किया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हम लोगों ने आज मांग करी है। दूसरी हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि जो भूमाफिया द्वारा जो कब्जा किया गया है उसके मकान पर और भी ऐसे कई लोग हैं, उनकी ज़मीनें जो हड़पी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से प्रशासन मुक्त कराए और गरीब जो कि मृतक के बच्चे हैं उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और ये सब मांगों के लिए आज हमने ये ज्ञापन SDM साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है। क्या प्रशासन TI महोदय ने आज आश्वस्त किया है कि इस प्रकरण में 8 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है और लोधी समाज को एवं जो अन्य लोग यहाँ उपस्थित हुए थे जिनके भी और प्रकरण थे उनको भी आश्वस्त किया है कि 1-2 दिन के अंदर उन सभी लोगों को भी न्याय मिलेगा, उनकी भी जो प्रॉपर्टी उनके कब्जे में थी उसको मुक्त कराई जाएगी। पुष्पेंद्र तिवारी पटवारी हैं जो उनके खिलाफ कई पहले भी ऐसे मामले हुए, अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई, आज इस बड़े आंदोलन जैसे आप। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।